गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप लोग का कुछ व्हाट्सएप पे डाउट आया हुआ है, पहले वही सब क्लियर किया जाए कि आप लोग बोलिएगा। दस, बारह, चौबीस, सत्ताईस, बोलिए आप लोग, डाउट बोलिए, डाउट बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन आप लोग का क्या प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलिए डाउट बोलिए आप लोग, कौन कौन सा डाउट है, क्या क्या बताना है आप लोग को, क्वेश्चन बोलिए, जो कल होमवर्क भेजे थे उसमें क्या क्या डाउट है, बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49, 3, 5, 8, 49 किस में का आयुष, 49 और 50 में का। ओ, 49 और 50 आपका ऐसे टाइप का 13 नंबर क्वेश्चन, 49 और 50 ऐसे टाइप का क्या, टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। अच्छा प्रियांशु, 15 नंबर, ठीक, और बोलिए, और बोलिए, और कुछ है क्वेश्चन। आदित्य राय, गुड मॉर्निंग, और कोई क्वेश्चन है आप लोग का, 49 टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, ठीक 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 बताते हैं, चलिए शुरू हो जाइए तब, ठीक है ना। पहले जितना क्वेश्चन आ गया, आकाश रंजन क्वेश्चन नंबर 50, यस बता रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम को एकदम समझ में आएगा। 49 में आपको दिया हुआ है log x at the base y minus log x square y cube at the base y cube equal to 9 log y x x y square, और आपको दिया हुआ है क्या, x equal to 9y, तो कह रहा है कि y equal to क्या होगा, है ना, ये वाली बात सर। एक 26 भी 24 भी, अरे यार सब तो हम ही को लिखवा दिए तुम लोग, 24, 26, तो देखो फिर फटाक फटाफट आप लोग ध्यान दीजिए और रिप्लाई कीजिए, तब जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए देखिए, ये हम लोग को दिया हुआ है और एक रिलेशन भी है, x इक्वल टू 9y, तो y इक्वल टू निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिए, ये फॉर्मूला बताया गया था कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3 log x y, आपको बताया गया था ना, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और यहां पर क्या है 9 log y x square, सॉरी y x square, ऐसा ही है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता था ना कि log a टू दी पावर p एट द बेस b टू दी पावर q होगा, तो उसे p by q log a एट द बेस b लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, यस और नो रिप्लाई कीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, बस इसी वाले फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने ये कर दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अब ठीक है, कर सकते हैं ना। अच्छा उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अब उसके बाद में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर सिंपल सी बात हो जाएगी, एक मिनट, x इक्वल टू 9y, x इक्वल टू क्या रखना है, 9y रखना है, और हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो फाइंड वाई इक्वल टू निकालना है, ठीक। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, तो लॉग एक्स वाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं,
ए लेट कर लेते हैं, तो इसके जगह पे ए पुट कर दीजिए, ए माइनस टू बाई थ्री ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाइन आई ए, तो वन बाई ए हो जाएगा, क्योंकि आपने जब लॉग एक्स एंड द बेस वाई को ए लेट किया है तो ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये log y at the base x equal to 1 by a हो जाएगा फॉर्मूला से, है कि नहीं। तो यहां पर अब क्या हो गया, यहां पर हो गया a by 3, इसको LCM लोगे, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, यहां पर 3a minus 2a करोगे तो क्या आएगा 9 by a square, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया a by 3 equal to 9 by a square आया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर में ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो ए क्यू इक्वल टू 27, ए क्यू इक्वल टू 3 का क्यू, क्यू से क्यू खत्म, ए इक्वल टू कितना आ गया 3, देखो ए इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए आपने क्या लेट किया था, ए इसको लेट किया था आपने, हमने लेट किया था ए इसको, लॉग एक्स एक्स एट द बेस वाई को हमने ए लेट किया था, यानी कि आपके पास आ गया कि लॉग एक्स वाई इक्वल टू क्या है 3 है, क्या है 3 है, तो ठीक है पुट कर दीजिए आप जो है इतना इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू कितना है 9y, तो देखिए यहां पर बन गया, अब ये a इक्वल टू 3 आया तो यहां पर कर दीजिए log x एट द बेस y इक्वल टू a है, यानी कि 3 हो गया log x एट द बेस y। अब देखिए x के जगह पे क्या है, यहां पर 9y पुट करना है हमें, तो x के जगह पे आप 9y पुट कर दीजिए, 9y इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, हम लोग 3 हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट यहां पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया, log xy इक्वल टू 3 आ गया है ना, तो y इक्वल टू यहां पर 9y इतना इक्वल टू 3 है 3। अच्छा हाँ, तो एक बात याद कीजिए, जब आप log में किसी को कन्वर्ट करते थे 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 आता था तो आप क्या लिखते थे, log 8 एट द बेस 2 इक्वल टू 3, यही ना लिखते थे, log 8 एट द बेस 2 इक्वल टू 3 आप लिखते थे log 8 एट द बेस 2 इक्वल टू आप क्या लिखते थे 3 लिखते थे, ठीक उसी तरीके से। तो अब तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा क्या y टू दी पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया 9y। जब इसको हम लोग log से एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, तो याद आएगा y टू दी पावर 3 इक्वल टू 9y, y से खत्म हो जाएगा तो स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3, y इक्वल टू क्या आ गया 3। तो देखिए तो 49 का आपका आंसर है 3 या है 3, समझ में आया कि नहीं, कि एक बार और समझाएं, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए क्वेश्चन बहुत है, यहां पर log ये आपको दिया हुआ है ठीक, जो गिवन है हम लोगों को, तो गिवन है तो ठीक है, इस पे फॉर्मूला बैठा दिए तो ये 2 by 3 log x at the base y आ गया, राइट। अब हमने क्या किया कि log x at the base y को a लेट कर लिए, ठीक, तो ये हो गया a minus 2 by 3 a, और ये इसका बेस चेंज हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको भी a को भी उल्टा कर दिए, 1 by a कर दिए, तो 1 by a का स्क्वायर हो गया, यानी यहां पर a by 3 equal to 9 by a स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो a की इक्वल टू 27, a इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, बस जो लेट किए थे उसके बराबर 3 डाल दिए, हम 3 डाल दिए और x के बराबर 9y दिया हुआ है, तो यहां पर 9y डाल दिए, ठीक है ना। अच्छा अब इस log से हम लोगों ने एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, समझ में आया बच्चों ये आप लोग क्वेश्चन। चलिए आयुष आपका प्रॉब्लम था, समझ में आया, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया, चलिए क्लियर है,
क्लियर है तो ठीक है बेटा। ठीक है चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, ये देखिए log a square by b plus log a 4 by b square plus log a 6 by b cube और इसी तरह से करते करते plus log a to the power 2n by b to the power n equal to 1। ठीक है भैया आप देखो इसको, ये log a by b m by n log m minus n लिख सकते हैं, log m minus n लिख सकते हैं, तो लिखिए इसको लिखेंगे log a square minus log b, इसको लिखेंगे log a 4 minus log b square, इसको लिखेंगे log a 6 minus log b cube, है ना। और उसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे प्लस log a to the power 2n minus log b to the power n। ठीक है देखिए किसका प्रॉब्लम था आकाश रंजन, ध्यान दो। अब देखो इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं 2 log a माइनस लॉग बी, इसको लिख सकते हैं 4 लॉग ए माइनस 2 लॉग बी प्लस 6 लॉग ए माइनस 3 लॉग बी प्लस 2n लॉग ए माइनस n लॉग बी। ठीक लिख दिया आप लोगों ने। अब क्या करो कि देखो ये टर्म और ये टर्म, इसमें अगर आप log a कॉमन कर लेते हो, log a कॉमन कर लेते हो तो क्या बचता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस करते करते प्लस 2n। और अब इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। अब देखो log b वाला टर्म में अगर आप माइनस log b कॉमन कर लेते हो तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते प्लस n। यहां तक समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत है जल्दी रिप्लाई करो, ये सब लो यहां तक समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत है फटाफट रिप्लाई कीजिए, यहां पर किसी को दिक्कत है log b 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे हम लोग क्या, ये कोई प्रॉब्लम ये सम ऑफ द इवेंट नंबर है, सम ऑफ द एंड कंजिक्यूटिव इवेंट नंबर, और ये क्या है सम ऑफ द कंजिक्यूटिव एन ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं नेचुरल नंबर है कि नहीं, ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है, ये कंजिक्यूटिव इवेंट नंबर का सम है। तो इवेंट नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, कंजिक्यूटिव इवेंट नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। तो एक बात बताइए यहां पर इसका मतलब आप लिख सकते हैं log a n इंटू एन प्लस वन और यहां हो जाएगा माइनस log b n इंटू एन प्लस वन बाय टू, यही होता है ना n इंटू एन प्लस वन बाय टू और यहां पर क्या हो गया n इंटू एन प्लस वन। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बात बताइए, अब यहां पर log m माइनस log n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अपॉन में लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग लिखेंगे log a n into n plus 1 by b n into n plus 1 by n into n plus 1 by 2। बताइए इसमें समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, कोई दिक्कत है जल्दी जल्दी बताइए रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत है समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत है जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, ये समझ में आया आगे बढ़ा जाए। चल ठीक है चलिए ठीक है,
चलो अब आ जाओ थ्री नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, लेवल वन शुरू हो गया ना। चलिए थ्री नंबर कह रहा है पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट, पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉगरिथम आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो ये तो बात सही है, लॉग ए लॉग एन एट द बेस ए इज ऑलवेज यूनिक, है ना। एक मिनट बताना शुरू करते हैं हम। लॉग ए टू द पावर एन इज ऑलवेज यूनिक, द लॉग फॉर्म ऑफ इतना इज इतना, ठीक है ये तो सही बात है। लॉग वन इज जीरो, लॉग वन इज जीरो, तो इसमें कौन कौन सही होगा हम लोगों का, फॉल्स में चुनना है हम लोग का, इसमें इसमें का हम लोग को फॉल्स चुनना है ना। पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट लॉग फॉर्म ऑफ टू टू द पावर, ओ देखिए यही फॉल्स है, देखिए टू टू द पावर थ्री इक्वल टू एट है तो इसको लॉग एट एट द बेस टू इक्वल टू ना थ्री लिखते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये ना लिखते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू, ठीक है वही गलती दिया हुआ है, बात सी सी वाला बात गलत है, लॉग फॉर्म इसका ये नहीं होगा, इसलिए उल्टा दे दिया है, लॉग ए या ऐसे दे दिया है, टू एट द बेस एट दे दिया है, तो यही वाला गलत बात है और हमको गलत बात ही चुनना है उसमें, ठीक है क्लियर है आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में है लॉग जेड स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एट द बेस जेड स्क्वायर, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई का स्क्वायर और यहाँ जेड का स्क्वायर, फॉर्मूला पर लेके आएंगे तो टू बाई टू लॉग एक्स वाई एट द बेस जेड, ये करके वन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपको लॉग एक्स वाई एट द बेस जेड, ज्यादा से ज्यादा इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स एट द बेस जेड लॉग वाई एट द बेस जेड, देखिए ये जहां होगा वही वही होगा सही है कि नहीं, ये जहां पर होगा वही सही होगा। अच्छा तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सुनिए और ज्यादा एक्सपेंड कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई बाई लॉग एक्स वाई बाई लॉग जेड, ठीक, और ये हो जाएगा आपको क्या लॉग एक्स प्लस लॉग वाई और लॉग जेड, ये जहां पर होगा जो ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है, ठीक। ये किसका प्रॉब्लम था समझ में आया आप लोगों को, चलिए भाई रिप्लाई करते रहिए आप लोग, वीडियो लगा करके सो गए हैं क्या आप लोग, ठीक है समझ में आ गया आप लोग को, चलिए ठीक है तो इसको मिटाया जाए, आइए फाइव के बाद आइए एट, क्वेश्चन नंबर एट, एट जो है वह क्या है विच इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, है कि नहीं ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है ना, ठीक ठीक चलिए कह रहा है कि विच इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, कह रहा है कि इन सब में बड़ा कौन है, एक दिया हुआ है लॉग 20 एट द बेस 2, एक दिया है लॉग 35 एट द बेस 7, एक दिया है आपको लॉग 70 लॉग 5, है कि नहीं, और एक दिया हुआ है लॉग 68 एट द बेस 3, ठीक ये ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि बताइए विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट दीज, इन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हम लोग को निकालना है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं बताता हूं, एक सेकेंड तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबका बेस जो है
हम लोग इसमें देखते हैं, इसका बेस 2 है, इसका बेस 7 है, इसका बेस 5 है और इसका बेस 3 है ना, इन सबका बेस हम लोग देखते हैं। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को रखिए, इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, एक नंबर क्वेश्चन रखिए, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया यहां पर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है आपको कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये सब कौन क्वेश्चन पूछा है यार, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन तो फिर वो समझा क्या है जिसने भी पूछा है, ठीक है। तो देन log x प्लस वाई का क्यू इक्वल टू क्या होगा, ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है ये वाला और आपको पूछ रहा है कि इतना क्या होगा, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है फॉर्मूला। तो उसी तरीके से अब अगर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि जहां कहीं भी ए क्यू प्लस बी क्यू है वहां पर हम लोग इतना रख सकते हैं, जहां कहीं भी आपका ए क्यू प्लस बी क्यू होगा वहां पर हम लोग ये वैल्यू तो रख ही सकते हैं, ठीक है ना, तो रख दीजिए आप यहां पर, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और इक्वल टू में जो दिया हुआ है उसको तो बेहिचक लिख डालिए, लिख दिए, अब इसको मिटा दीजिए, ठीक। अच्छा अब आइए एक्स प्लस वाई का होल क्यू इक्वल टू 4xy into x plus y और ये इधर गया तो प्लस में 3xy into x plus y that becomes 7xy into x plus y and it is x plus y का होल क्यू। अब log ले लीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ अब log ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, log x plus y का क्यू इक्वल टू log 7xy into x plus y, log 7xy into x plus y। अब आप देख सकते हैं कि आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, तो कर दीजिए 7xy into x plus y है ना, यही है ना। तो आप अगर इसको इवेल्युएट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है इसको log 7 plus log x plus log y और plus log x plus y, यही ना हो सकता है ना। तो देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है, log x plus log y plus log x plus y plus log 7, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, करेक्ट ऑप्शन है आपका 4। समझ में आया, yes or no रिप्लाई दीजिए आप तो फटाफट, ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत सारा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन, क्लियर है। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। अब आइए हम लोग 12 पे आते हैं, 12 पे, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका log x माइनस log 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो कहता है कि x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, log x by 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो एक बात बताइए 1 किसको लिख सकते हैं, 1 हम किसको लिख सकते हैं, तो 1 हम लोग यहां पर देखिए बेस कुछ नहीं है तो क्या है, 10 है, बेस कुछ नहीं है तो 10 है, इसका मतलब यहां 1 को हम लोग 10 10 लिख सकते हैं। चलिए यहां पर भी
और यहां भी बेस कुछ नहीं है तो 10 है, तो दोनों तरफ सेम बेस का लॉग कैंसिल हो गया। x by 2x minus 3 equal to 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20x minus 30 equal to x, तो ये 20x minus x equal to 30, 19x equal to 30, तो x equal to 30 by 19, कितना हो जाएगा 30 by 19, x equal to 30 by 19, कौन सा क्वेश्चन था भाई 30 by 19, हाँ है ऑप्शन वन करेक्ट है, ठीक है ऑप्शन वन इसका सही है। तो समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला पे बैठाया और वन को हमने लॉग टेन टेन, कहिएगा सर टेन ही क्यों लिखे, टू टू भी लिख सकते थे, फाइव फाइव भी लिख सकते थे, टेन ही क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि इधर भी बेस कुछ नहीं है तो टेन है कि नहीं, इधर कुछ नहीं है तो क्या है बेस टेन है, ठीक है समझ में आया, आगे बढ़ो। चलिए आप क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 और 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है कि इफ 2 log x प्लस 4 इक्वल टू log 16, तो ये x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है कि नहीं, ये किसका प्रॉब्लम, एकदम इजी प्रॉब्लम पूछा है, ये किसका प्रॉब्लम हमने चुन लिया, बताइए। अब देखिए यहां पर ये आ गया कितना, ये आपको दिया हुआ है log x प्लस फोर इक्वल टू log 16, log क्या दिया हुआ है 16, आप देखिए इसको कुछ नहीं तो आप x प्लस फोर का ये 2 इधर है तो पावर में आ जाएगा log 16 लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेम बेस का log है, log log कैंसिल हो गया, x प्लस फोर का स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी x प्लस फोर का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x प्लस फोर इक्वल टू 4 खत्म, x इक्वल टू कितना आ गया 0, x इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो है क्या 13, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया आप लोगों को, ये वाला समझ में आया, ये वाला पूरा समझ में आया, बढ़िया से रिप्लाई करो, ये फटाफट समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। चलिए आगे बढ़िए, 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि log 3 एट द बेस 16 है ना, इंटू log 4 एट द बेस 17 इंटू log 7 एट द बेस 9 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक सिंपल बनाई नहीं, इसको लिख सकते हैं log 3 by log 16 इंटू log 4 17 इंटू log 17 by log 9, फॉर्मूला से लिख सकते हैं 17 कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं। अब आ जाइए यहां पर लिख सकते हैं log 3 by log 9 इंटू log 4 by log 16, यही ना बच रहा है अब आपका, ठीक है इसको फिर रीअरेंज करते हैं, अक्षित सिंह ये क्लास चल रहा है पिछले आधे घंटे से, आप अभी अभी आए हैं 2 मिनट पहले, क्यों आए हैं आप अभी 2 मिनट पहले, आपका क्वेश्चन सबसे बाद में बनेगा, तो ये होगा आपको कितना, इसको लिखेंगे log 3 एट द बेस 9 और इंटू हो जाएगा log 4 एट द बेस 16, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप देखिए इसको लिखेंगे log 3 का स्क्वायर इंटू log 4 का स्क्वायर, अब पावर वाला याद कीजिए फॉर्मूला, ये 1 है यहां पावर 1 है, ठीक है तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई 2 log 3 एट द बेस 3 और इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 log 4 एट द बेस 4, तो log 3 3 का भी वैल्यू 1, log 4 4 का भी वैल्यू 1, तो क्या हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया
1/4, क्या आ गया 1/4, बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, 1/2 × 1/2 क्या आ गया 1/4, आई बात समझ में कि नहीं आया, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, 1/4 इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का 1/4, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब आगे आइए और क्वेश्चन में, 15 के बाद आ जाइए, 24 है, ठीक है, तो आइए 24 में हम लोग क्या करते हैं, 24 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, उसमें कहा जा रहा है 2 to the power 16 minus log 1024 और 2 = what, सीधी सी बात है, यहां पर आपको 2 to the power 16 minus log ये 1224 को 10 लिख सकते हैं, 2 to the power 10 और यहां बच गया 2, आप इसको लिख सकते हैं 2 to the power 16 minus, ये पावर को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हो जाएगा log 2 एट द बेस 2, फिर 2 to the power 16 minus ये हो गया 1, तो यहां बचेगा सिर्फ 10, क्योंकि 10 बन जाए 10, तो बचेगा 2 to the power 6 = आ जाएगा 64 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी समझ में आया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट बात है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका कि log aq + bq एट द बेस a + b माइनस log a² - ab + b² और एट द बेस a + b, देखिए दोनों का बेस सेम है तो m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log aq + bq a² - ab + b² एट द बेस a + b, कर सकते हैं, अब आ जाइए, तो ये हो गया आपको log aq + bq का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और aq + bq का फॉर्मूला क्या होता है a + b (a²) + ab + b², यही ना होता है माइनस, सॉरी, और यहां पर नीचे क्या है a² - ab + b² और बेस है a + b, इससे ये खत्म हो गया, तो बचा क्या आपको log a + b एट द बेस a + b, ये कितना हो गया 1 आंसर, सिंपल क्वेश्चन है सर, है कि नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, अब आइए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 27, लास्ट क्वेश्चन है 27, नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया हुआ है 4 to the power log 25 एट द बेस 16, ठीक, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 log, इसको भी 5 का स्क्वायर और इसको 4 का स्क्वायर, कर सकते हैं कोई बात नहीं, ये 4 ये क्या हो जाएगा 2/2 log 5 एट द बेस 4, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बच जाएगा 4 to the power log 5 और ये 4, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a² - log n एट द बेस a रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है n हो जाता है, तो उसी तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, log 27 का आंसर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन 5, 27 का 2 देखिए तो है कि नहीं, 27 का 2 होगा ही होगा एकदम 100%, ठीक है, अब ये समझ में आया आपका, इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 8 अटक गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बताइए आप लोगों को सब समझ में आया, ओल्ड बुक से 1/25, भैया हमारा भी वो ओल्ड बुक ही है,
समझ गए? तो हम ओल्ड बुक से ही आपको बता रहे हैं। आप लोग को बढ़िया से समझ में आया? आपका सारा डाउट क्लियर है? कोई और डाउट किसी का कुछ बच रहा है क्या? सारे डाउट क्लियर हैं कि कुछ और डाउट्स बच रहे हैं? फोर्टी टू कहां का? कौन से क्वेश्चन का 42? आदर्श 25, आदर्श 25, लो 25 में बता देता हूं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 to the power 3 log 2 at the base 2 plus 3 to the power 2 log 2 at the base 3। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, कर लो यार, ये प्लस यहां पर है, ठीक है, तो इसको कर लो। ये कहां पर है? 2 at the base 2। तो सिंपल बात है, ये तो सीधा सीधा हो गया 1, तो 2 to the power 3 बच गया। और इधर में क्या बच रहा है भाई? इधर हो गया आपको log 2 log 3। ओहो, ये क्वेश्चन कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन उल्टा सीधा आपको दिया हुआ है। ये होगा 3 3 9 और 9 8 17। ये कोई क्वेश्चन कुछ सर, न्यू बुक ये 24 है, क्या बोल रहा है? हमको बात समझ में नहीं आ रहा है। नो डाउट लेफ्ट, ऑल क्लियर सर। न्यू बुक ये 24 है सर, 21 का ओनली एक्सप्लेन, 21, अच्छा 21 में है आपको। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ उल्टा सीधा दिया हुआ है, ठीक से ये प्रिंट नहीं है क्वेश्चन। अब आइए 21, इफ लॉग वाई टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू के लॉग वाई एट द बेस एक्स, तो कहता है कि के इक्वल टू क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहां पर देख लो फॉर्मूला पर सीधे आ जाएगा ये एन बाई एन लॉग वाई एट द बेस एक्स के लॉग वाई एट द बेस एक्स, ये लॉग लॉग कैंसिल, के इक्वल टू एम बाई एन आंसर। मिसा समझ में आया आपको? के इक्वल टू एम बाई एन, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है, और कोई अभी तक कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? और कोई डाउट क्वेश्चन है कि नहीं? निशा 21 बता दिया मैंने, ये 21 ही मैंने बताया, log y टू दी पावर n एट द बेस x टू दी पावर m n, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? m by n log y टू y एट द बेस x k into log y एट द बेस x, ये दोनों कैंसिल हो गया, k इक्वल टू क्या बच गया? m by n, ठीक है। 8 बताइएगा, 8, चलिए ठीक है, 8 आप लोगों को बता देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर ही तो मैं बताया हूं। ये कौन पूछ रहे? हाँ तो 8 तो बताते करेंगे, प्लस सर 21 बोले थे, 21 नहीं है तो कौन है? हमारे में तो यही 21 है, हमारे में यही 21 है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग का सेशन समाप्त होता है, अब दूसरे सर का क्लास भी लगेगा, आप लोग उनको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और हम लोग आज होमवर्क फिर भेजेंगे तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, जितना भी नोट्स है आज तक जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है, वो नोट्स आप लोग का 4 तारीख से मिलना स्टार्ट होगा, तो कृपया करके आप लोग नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। बार बार आप लोग कहते हैं कि हमें, बार बार आप लोग कहते हैं कि हमारा यहां से फेयर छूट गया है, वहां से छूट गया है, इधर छूट गया है, तो इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोगों ने आपका नोट्स, अतुल क्या बोल रहा है? अरे व्हाट व्हाट आर यू डूइंग, तू बताएगा कि मैं क्या करूंगा? ऐ क्या बोल रहा है तू, व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing? तू क्या कर रहा है बता पहले, 2 मिनट में पहले क्लास से बाहर हो जा। What are you doing?
चलिए तो मैं आप लोग को तुम्हारा क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 42 कब हुआ है क्वेश्चन सॉल्व, कब हुआ है पढ़ाई वो 42? उस दिन क्या आप सो रहे थे? आप आज का होमवर्क दो दिन के बाद कीजिएगा, कहिए ये बताइए तो आपका ये ट्यूशन थोड़ी चल रहा है, ये स्कूल है, इसमें कॉमन क्लास चल रहा है, जो आपको कल दिया गया है उसका डाउट सॉल्व होगा, है कि नहीं? आपके हिसाब से क्लास नहीं चलेगा और आपको क्लास से फिर टपने नहीं दूंगा, टाइम आउट कर दूंगा मैं आपको, इस तरह का अगर भाषा का उपयोग कीजिएगा तो। चलिए तो कहने का मतलब है कि मटेरियल भी बता रहा है 4 तारीख से आप लोग को मिलना स्टार्ट होगा, तो आप लोग कृपया करके आप अपना ऑफिस से मटेरियल कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से आता था कि सर हमारा फेयर यहाँ का छूट गया है, उस सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का छूट गया है, तो इन चीजों को दूर करने के लिए, इन चीजों को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि नोट्स जो है वो प्रिंटेड मतलब फोटोकॉपी किया हुआ 4 तारीख से आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो कृपया करके जैसे भी आप लोग को सुविधा हो वैसे कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।